घर की आज पहले दिन की जो रूटीन है तो साला सारा मैंने डाल दिया सारे घर चुके हैं ये देखिए रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक। अल्लाह ताला आपको खुश रखे हमारे देखने वाले जहां भी रहे हंसते मुस्कुराते रहे। इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज करती हूं। तो जी अभी जो है ना शाम का टाइम है, होम टूर मैंने दिया तो घर तो वही था तो न्यू तरीके से हमने सेटिंग की और जो भी सेटिंग की तो मैंने जो है ना आपसे शेयर करनी थी क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं तो खुशी गम तकलीफ जो भी हो तो मैं जो है ना आपसे शेयर करूं। मुझे अच्छा लगता है जब भी शेयर करती हूं तो इसलिए जो है ना मैं हर चीज जो है ना अपनी आपसे जो है ना शेयर करती हूं। आप सबने जो है ना बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत जो है ना दिल से खुशी हुई और मैं आप सबका जो है ना तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सबने जो है ना इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए। अभी चलते हैं किचन की तरफ तो आज अपने घर पे जो है ना बनाते हैं खाना। मैंने मीठा बोला था कि बनाऊंगी घर पे तो वो जो है ना मैंने बना लिया। मैंने वो वीडियो नहीं शेयर की आपसे तो मैंने जो है ना मीठी सेवइयां बनाई थी और जो है ना खाई भी मजे से सबने जो है ना तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है। तो अभी चलते हैं जी अपने किचन की तरफ। मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में तो खाना बनाते तो अभी बिस्मिल्लाह करते हैं, देखते हैं गैस आ चुकी है कि नहीं। गैस तो अभी नहीं आई तो अभी चलते हैं पहले जो है ना सब्जी बना लेते हैं। खाने में आज बनाने लगी हूँ जी बैंगन, छोटे छोटे बैंगन मैंने मंगवाए हैं समीउल्लाह के बाबा से। मैंने कहा कि ये बनाते हैं, कल के ला के रखे हुए हैं तो रात को जो है ना मैंने सेवइयां बना ली थी तो फिर इसलिए जो है ना हमने खाना नहीं बनाया था, सालन नहीं बनाया था। ये बैंगन नहीं है, बैंगनी है। मैंने ना बैंगन धो के रख दिए हैं। सारा मसाला जी मैंने बना लिया है और यहाँ पे बैंगनों को जो है ना फिर से दोबारा से धो के लाई हूँ, अच्छे से धुले नहीं थे और इनके जो है ना ये वाले यहाँ से जो है ना मैंने रिमूव कर दिए डंडियां भी और ये भी। और अभी जो है ना मैंने काट नहीं लगाए, अब जो है ना पहले मसाला बना लेती हूँ फिर जो है ना इनको काट लगाऊंगी। मैंने बघारे बैंगन बनाने हैं इस वजह से जो है ना अभी इसका मसाला तैयार कर लेते हैं बैंगनों का। सबसे पहले जो है ना ये साबुत धनिया है तो ये इसको कूट लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धनिया को मैंने दरदरा सा कर लिया है तो बीच में जो है ना ये प्याज और हरी मिर्च काटी हुई है मैंने दो तीन तो ये डाल देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको भी जो है ना कूट लेते हैं धनिया के साथ। प्याज को भी मैंने कूट लिए है तो कुछ मसाले डालते हैं बीच में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जीरा भी डालते हैं, थोड़ा सा कटा हुआ पिसा हुआ है तो अब मिक्स कर देती हूँ ये मसाले जो है ना प्याज के साथ। मसाला जी मैंने तैयार कर लिया है तो अब जो है ना
बैंगनों को कट लगा लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और इनको जो है ना कट लगा देते हैं ऐसे, बीच में से ऐसे कट लगाने हैं ऐसे। तो एक तो हमें पता चल जाएगा कि इनमें जो है ना कीड़ा वगैरह नहीं है, और वैसे भी जो है ना ऐसे मसाला हमने बीच में भरना है। मैं आपको भर के जो है ना दिखा देती हूँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखें ऐसे ऐसे जो है ना फिल करना है, ये देखें ऐसे जो है ना सारे बैंगनों को कट लगा के मसाला फिल करके तो फिर जो है ना बनाते हैं इनको। काट लगा के मैंने बैंगनों को फिलिंग कर ली है, तो अब यहाँ पे जो है ना मैंने ऑयल भी गरम कर लिया है कढ़ाई में डाल के, तो बीच में जो है ना बैंगन रखते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह जी ये देख सकते हैं आप बैंगन जो है ना कितने प्यारे पक रहे हैं। तो अभी जो है ना इनकी साइडें चेंज कर देते हैं और बीच में ये वाला मसाला जो है ना डाल देती हूँ, ऐसे ना साइडे पलट देते हैं। ये देखें इस साइड से जो है ना पक चुके हैं, तो जिस साइड से कच्चे हैं तो वो साइड चेंज कर देते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये मसाला डाल के जो है ना 10-15 मिनट में पका लूंगी तो पक जाते हैं हमारे बघारे बैंगन। तो फिर जो है ना फाइनल लुक इनकी दिखाती हूँ आपको कैसे बने हैं। मसाला सारा मैंने डाल दिया बीच में, तो आप जो है ना ढक्कन लगा देते हैं और 10-15 मिनट पका लेते हैं। और इनके साथ जो है ना आप रोटी भी बना सकते हैं और चावल भी। तो मैं जो है ना चावल वाइट बनाने लगी हूँ, तो अभी मैं भिगो के आई हूँ, तो वो किचन वाले चूल्हे पे जो है ना चावल बना लेते हैं। अब चावलों को मैंने दम लगा दिया है और यहाँ पे दही भले भी बना लिए हैं और सालन भी जो है ना हमारा बैंगन का तैयार हो चुका है, तो वो भी जो है ना आपसे शेयर करते हैं, आपको दिखाते हैं अभी फाइनल लुक उसकी। धनिया पत्ता भी डालती हूँ बीच में, ये देखिए जी माशाल्लाह यहाँ पे जो है ना सालन तैयार हो चुका है। चूल्हा बंद कर देती हूँ और धनिया पत्ता बीच में डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, गरम मसाला नहीं मैं डाली क्योंकि मैंने पहले डाल दिया था, अब नहीं डालूंगी। तो अब जो है ना मिक्स कर लेती हूँ। इसमें ज़रा पानी रहेगी, ये देखिए जी माशाल्लाह बिल्कुल जो है ना बैंगन गल चुके हैं और मसाला भी जो है ना हमारा पक चुका है। बैंगन ये देखिए टूट रहे हैं, कितने प्यारे गल चुके हैं, ये देखिए माशाल्लाह। तो यहाँ पे खाना जी मैंने लगा लिया है, खाना बिल्कुल तैयार हो गया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो सालन भी निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सालन की खुशबू जो है ना माशाल्लाह इतनी प्यारी आ रही है ना। खाना जो है ना मैंने निकाल लिया है, तो जिस मेरे बहन भाई ने खाना है वो भी आ सकता है और हमारे साथ जो है ना खा सकता है। तो वीडियो भी हमारी कंप्लीट हो गई है, यही थी आज की हमारी वीडियो। यकीनन आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि न्यू घर की आज पहले दिन की जो रूटीन है तो आपको कैसी लगी है। तो आज सुनिए इधर बेटे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।